अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है, उसी का बेटा है ना, कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना, तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा देकर के बना है। बेईमानी, नकली चाणक्य, हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे, तो ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से बास्को डिगामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। तो क्या खुद देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वालों के यहाँ ही देश को नीचा दिखाने वाला पल रहा है? क्या जो दूसरों की देशभक्ति का प्रमाण मांगते हुए थकते नहीं थे, वो आज सिद्ध कर पाएंगे कि उनके अपने घर में कोई ऐसा नहीं है जो देश की शान को कम करता है? और वो जो परिवारवाद से चिढ़ते हैं, क्या साबित कर पाएंगे कि वो खुद अपने नाम और काम का इस्तेमाल कर अपने बच्चों को फायदा नहीं पहुंचा रहे? जी, इन्हीं सवालों से लैस एक प्रहार कांग्रेस नेता कन्हैया ने भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी के बीच के उस अंतर पर किया है, जिसमें कन्हैया के सवाल बीजेपी को सकते में डाल सकते हैं। बीजेपी के चाणक्य के लाल ने भारत पाकिस्तान मैच के दौरान जो देशभक्ति का प्रमाण दिया है, उसने बीजेपी के राष्ट्रवाद की सांसें थाम ली हैं, और थामी भी इस तरह से हैं कि संबित से लेकर शाह तक राष्ट्रवाद के तमाम प्रहारियों के पास जबान भले अभी भी हो, लेकिन आवाज गायब है। खबर अड्डा ने आपको पहले ही अमित शाह के बेटे जय शाह की देशभक्ति की पूरी पिक्चर आपको दिखा रखी है, लेकिन इस पूरी फिल्म का पार्ट टू उससे भी ज्यादा रोमांचक और बीजेपी के लिए दर्दनाक साबित हो रहा है। दरअसल बीजेपी के चाणक्य के राष्ट्रवादी पुत्र की जैसे ही तस्वीरें और वीडियो इस देश के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपमानजनक मुद्रा में वायरल हुई, लोगों को कन्हैया कुमार की तलवार की धार सी तेज वो बयान याद आ गई जो उन्होंने उस विचारधारा के गढ़ में घुसकर दी थी जो इस देश में तिरंगा से दूरी और उसके प्रति दोयम दर्जे की निगाह रखने की सीख लोगों को देती है। कन्हैया ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे जय शाह को बीसीसीआई का सचिव बना दिए जाने के फैसले पर सवाल करते हुए परिवारवाद से लेकर फेवरेटिज्म तक बीजेपी को बेनकाब कर दिया और पूछा कि आखिर मेरिटोक्रेसी की धज्जियां उड़ाकर बीसीसीआई में जो भाजपाई रिजर्वेशन चलाया गया है, उसके पीछे आखिर बीजेपी के पास क्या जवाब है? आखिर बीसीसीआई के सचिव पद तक पहुंचने के लिए जय शाह की काबिलियत क्या है? क्या है इस नियुक्ति का आधार? और आखिर इसे परिवारवाद क्यों ना माना जाए? और खास तौर से तिरंगे के अपमान का वीडियो सामने आने के बाद क्या मोदी सरकार शाह के बेटे को बाहर का रास्ता दिखाते हुए देगी अपने राष्ट्रवाद का सबूत? सुनिए इन सवालों से दहकते कन्हैया के बोल, जो जूनियर शाह के तिरंगे को ना कहने के वीडियो के बाद से जबरदस्त वायरल है। दो ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से बास्को डिगामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में, और चाचा फिर मंच पे जाकर के भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है, उसी का बेटा है ना, कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना, तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा देकर के बना है, कॉम्पिटिशन दिया था क्या, एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी लिखा था, ऐसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है। बेईमानी, नकली चाणक्य, हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे। बड़े कन्हैया के बोल में जिक्र चाचा और भतीजे का हो, लेकिन सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में खुद को फंसा हुआ भतीजे के पिता और चाचा के भाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीसीसीआई सचिव जय शाह पर कन्हैया का ये अपना अंदाज है, लेकिन सवालों के जद में अगर कोई सबसे ज्यादा आएगा तो वो होंगे गृह मंत्री अमित शाह, जो बीजेपी के राष्ट्रवाद की सबसे मुखर आवाज के तौर पर खुद को पेश करते हैं, और दूसरी तरफ उनका ही बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में भारत का झंडा तक हाथ में लेने को तैयार ना हो। तो सवाल तो उठते ही हैं और वो सवाल गंभीर ही होंगे, क्योंकि जब हर दूसरी बात पर इस देश में जिक्र देशभक्ति और देश विरोधी होने का छेड़ दिया जाता है, तो ऐसे हालात में भला शाह और सरकार से जवाब तो लोग मांगेंगे ही, और यही अब सोशल मीडिया पर हो रहा है। लगातार जय शाह के खिलाफ लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं सवालों के जद में खुद सरकार भी फंस चुकी है, और विपक्ष के लिए ये परिवारवाद से लेकर बीसीसीआई में भाई भतीजावाद तक की चर्चा शुरू कर सरकार को घेरने का मौका तो है ही।
तो जय शाह को लेकर कन्हैया कुमार के इस भाषण पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।